पीएम मोदी के फिट इंडिया अभियान को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एसएसबी ने असम के तेजपुर से नई दिल्ली तक साइकिल रैली निकाली। यह रैली बुधवार को NH-57 होते हुए दरभंगा पहुंची। यहां रैली का स्वागत एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने किया। यह रैली 1 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेगी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। रैली में कुल 51 सदस्य शामिल हैं। यह रैली कुल 2468 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। एसएसबी 19वीं वाहिनी के असिस्टेंट कमांडेंट भरत कुमार चौधरी ने बताया कि रैली 25 अगस्त को असम के तेजपुर से रवाना हुई थी। यह रैली में तेजपुर, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी के 17-17 सदस्यों की 3 टीम शामिल है। उन्होंने कहा कि रैली 1 अक्टूबर को नई दिल्ली पहुंचेगी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर राजघाट स्थित उनकी समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। हम लोग तेजपुर से रवाना हुए थे और तेजपुर की टीम को जो है लीड कर रहे हैं राहुल, एंड देन उसके बाद में गुवाहाटी से टीम को लीड कर रहे हैं रोहित, एंड देन इसमें सिलीगुड़ी जुड़ा। हर टीम में 17-17 बंदे हैं और करीबन ये हमारी जो यात्रा होगी 2463 किलोमीटर की यात्रा होगी और हम लोग 1 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेंगे तथा 2 अक्टूबर को राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, क्या इससे आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो सशस्त्र सीमा बल का जो ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व है, और उसके बाद में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसी के क्रम में ये साइकिल रैली को देखा जा सकता है कि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है, जो कोविड और कोरोना रूपी एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, तो उसमें हम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसी क्रम में साइकिल रैली को देखा जा सकता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे भी उनके जो स्थान है वहाँ पे भी हम लोग जाके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। तेजपुर से हम लोग 25 अगस्त को चले थे। रास्ते में स्थानीय जनता द्वारा हमारा बहुत ही स्वागत किया गया। जगह जगह पर जैसे गुवाहाटी फ्रंटियर में स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर हमारी जो यात्रा है उसको रवाना किया गया। फुल बरसाई था भारत माता की जय। भारत माता की जय।